हेलो दोस्तों, रेड न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की रेड न्यूज शुरू करते हैं। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, जी हां, मैं ढोल बजा रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं क्योंकि कल के दिन बहुत कुछ हुआ दोस्तों। कल की टेक न्यूज हमने डाला और वो भी ट्रेंडिंग पर चढ़ गई थी। लगातार 9 दिन हमारे वीडियोस ट्रेंडिंग पर थे, हमने ट्रिपल हैट्रिक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पीआर और सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और हमने मीटअप्स के बारे में कल आपसे पूछा था कि मीटअप्स रखना चाहिए, मुंबई से मैंने बोला तो शुरू करते हैं। 44,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, 83% लोग बोलते हैं हाँ रखिए, हम भी मिलना चाहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला मिलना नहीं, कोई बात होता है। लेकिन दोस्तों, एक और अच्छी चीज ये थी कि मैंने आपसे ये भी बोला था कि कमेंट करना आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम वहां पर भी मीटअप रखेंगे। अरे बाप रे बाप, 7,000 से ज्यादा कमेंट्स आए, बहुत खुशी हुई दोस्तों। और आपको क्या लगता है कि हम कमेंट्स नहीं पढ़ते? हम बहुत पढ़ते हैं। सारे यूट्यूबर्स की मैं बात करता हूं, हम कमेंट्स को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। जितना एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत नहीं करता होगा ना, उतना एक यूट्यूबर अपने यूट्यूब स्टूडियो से मोहब्बत करता है जिसके थ्रू हम कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नोटिस कर लिया मैंने। और बहुत जल्दी मुंबई के अलावा भी हम मीटअप्स रखेंगे, पहले मुंबई तो हो जाए। गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों आज भी लेके आ गया हूं, मजेदार टेक न्यूज से। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर पेमेंट से। जी हां, इंडिया में दोस्तों 2019 के अंदर आपको तो पता ही है हम ऑनलाइन बहुत ट्रांजैक्शंस करते हैं और इंडिया में अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट्स हमें मिलते हैं। यूपीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको हम आईएमपीएस भी बोलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। यहां पर 2019 में इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने क्या प्रेफर किया जब वो ट्रांजैक्शंस करते, वो निकल कर आया यूपीआई। जी हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं। 2019 में 10.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस लोगों ने यूपीआई के थ्रू किया, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया है। ईयर ऑन ईयर उसके अंदर 188% की ग्रोथ मिली है, जो बहुत ही बड़ी बात है। फिर आता है डेबिट कार्ड, फिर आता है आईएमपीएस, उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। वैसे उनमें भी बहुत सारे 2.8 बिलियन है, किसी में इतने बिलियन है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीआई का लोग इस्तेमाल करते हैं जब वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों P2P ज्यादा हुआ है, मतलब पर्सन टू पर्सन, और P2M थोड़ा कम हुआ है, मतलब पर्सन टू मर्चेंट। जी हां, तो आपस में लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं इंडिया के अंदर, और 2019 की रिपोर्ट है। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों, आप कौन सा पेमेंट मोड सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं जब आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, इंडिया के अंदर जियो की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और इसमें वैसे कोई नई खबर नहीं है, मैंने पहले भी आपको उसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी अब एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, वो ये है दोस्तों कि जियो इंडिया में दोस्तों 5G लेके आने वाला है बहुत ही जल्दी। और दूसरी चीज, एयरटेल वोडाफोन का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे भी कर्जे में डूबे और वोडाफोन तो शायद बंद करके निकल लेगा। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस था, वहां पर मुकेश अंबानी को पूछा, आपको तो 4G है ना, आप 5G ला रहे कि नहीं ला रहे? जी हाँ, कुछ ऐसे पूछा। और मुकेश अंबानी ने खड़े होकर बात तो की कि हाँ हम 5G ला रहे, लेकिन हम उसमें कोई भी चाइनीज कंपोनेंट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सामने फुल चापलूसी की उन्होंने कि हम तो चाइना से दूर है, हमने कोई कंपोनेंट्स हमारे 5G में चाइना का इस्तेमाल नहीं किया है। और डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू ऐसा करके खुश हो गया। एनीवेज, तो ये कुछ सीन है कि जियो का 5G आएगा और उसमें कोई चाइनीज कंपोनेंट नहीं होगा, तो हाँ, जो चाइना स्पाई वाई करता है ना, तो वो डर नहीं रहेगा, ऐसा मुकेश अंबानी ने हमें भरोसा दिलाया। बस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, ऑनर की तरफ से खबर आ रही है। मैंने आपको पहले बताया था, ऑनर 9X प्रो जब लॉन्च हुआ ग्लोबली और उसमें किरिन 810 वाला प्रोसेसर निकला था, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। तो ये दोस्तों अब BIS इंडिया की एक सर्टिफिकेशन साइट है, वहां पर लिस्ट हो गया है। और इस पर जब भी लिस्ट होते ना, तो स्मार्टफोन इंडिया में आ जाते हैं। इसके पहले बहुत सारे लोग लिस्ट हुए थे और फिर वो इंडिया में आ गए थे। तो ऑनर 9X प्रो भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, ये मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके बता दिया। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों 9X प्रो शायद मार्च की एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है। ज्यादा लेट करेंगे ना तो ये बहुत लेट हो जाएगा, फायदा नहीं है। और जो प्राइस है ना, मुझे लगता है 15,000 तक ही रहेगा तो ठीक है, ना तो मजा नहीं आएगा। ग्लोबल प्राइस 19,000 की थी। वैसे क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं अब किरिन 810 वाले प्रोसेसर की, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, वोडाफोन की तरफ से खबर आ रही है। भैया वोडाफोन थोड़ा अब ज्यादा लाड़ में आ रहे हैं, जी हां मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि वोडाफोन ने दोस्तों ऐसा बताया कि वो अप्रैल से इंडिया के अंदर जो भी वोडाफोन के कस्टमर्स है उनके जो प्लान है उनकी प्राइस खूब बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने ऐसा मांग किया है कि नॉर्मली अभी आप जो डेटा यूज करते हैं वो 4 से 5 रुपए पर GB के हिसाब से हम पे करते हैं। वोडाफोन ने कहा उसको बढ़ाकर 35 रुपए पर GB कर दिया जाए। जी हां, उसके अलावा उन्होंने कॉल्स में भी काफी सारे बढ़ोतरी मांगी है, और साथ में अगर एस्टिमेटेड किया जाए तो महीने का हमें 1,000 रुपए
खर्च करना पड़ेगा वोडाफोन के सिम पर। इतना ही नहीं, उन्होंने महीने के अंदर कनेक्टिविटी के लिए भी ₹50 एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोला है। ऐसे ऐसे अलग अलग सेट के उन्होंने प्लान्स बनाए हैं। बहुत ज़्यादा लाड़ में आएगा, मैंने शुरू में बोला था ना कुछ वैसे ही, क्योंकि 50,000 करोड़ का जो कर्जा चढ़ गया है तो कैसा पे करेगा, हमसे लेगा, क्योंकि हमने ठेका लिया है ना, तो पैसा हमारी जेब से लेगा। मैं तो पोर्ट कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, और मुझे लगता है वोडाफोन का टाइम पूरा हो चुका है, ये प्लान जब लाएगा तो कोई नहीं लेगा और सब भाग जाएंगे, लेकिन हम हमारे तरीके से उनको गुड बाय करेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। यस, तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने व्हाट्सएप, टिकटॉक और ट्विटर के अगेंस्ट कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे यार ऐसा क्यों हुआ, तो आपको तो पता ही है दोस्तों, जब भी दंगे फसाद होते हैं इंडिया में तो व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक का सबसे बड़ा हाथ होता है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें फैली है, यहाँ से वहाँ गई है, लोगों में और नफरत पैदा हुई है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके की धारा लगा दी है, एक नहीं अलग अलग तरीके की, और बोला गया कोर्ट में कि इनको बैन कर दो। मजाक नहीं कर रहा हूं, साथ में और भी कई एप्लीकेशन से 42 और एप्स ऐसे हैं जिनको बैन लगाने के लिए उन्होंने बोल दिया है। अब पता नहीं कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर क्या चर्चा होगी, लेकिन ये बड़े एप्स हैं जो इंडिया में बहुत मशहूर है और खूब ज्यादा चलते हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक और ट्विटर पर। देखते दोस्तों क्या होता है, कोर्ट क्या बोलती है, अगर हुआ भी तो शायद हैदराबाद में कर सकते हैं वो लोग, पता नहीं, लेकिन जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि उनको अक्ल होनी चाहिए, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से आज वैसे काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो दोस्तों Realme 6 Pro ऐसा बताया जा रहा है कि Geekbench पर लिस्ट हो चुका है, जी हां, जिसमें Android 10 दिखाई दे रहा है और 8GB की RAM है और 1.8GHz वाला कोई Qualcomm वाला प्रोसेसर दिख रहा है। एनीवेज छोड़ो, तो कुछ इस तरीके की चीज यहां पर आ रही है दोस्तों कि हां Geekbench पर आ गया है, 8GB वाला वेरिएंट भी आपको Realme 6 Pro में पहले दिन मिल जाएगा शायद से। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, Realme 6 और 6 Pro की प्राइस भी दोस्तों लीक हो गई है, और Realme 6 बताया जा रहा है कि 10,000 से शुरू होगा और Realme 6 Pro जो होगा वो 14,000 के आपको आसपास मिल सकता है। मुझे लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार प्राइस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो फोन है यहीं पर है, उसमें जो फीचर्स है इस बार थोड़े ज्यादा अच्छे, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेंसिव रख सकते हैं, उस प्राइस पर फिट नहीं होते। देखते दोस्तों क्या होता है, वो तो आगे की बातें। एनीवेज दोस्तों, Realme 5 Pro और Realme X इंडिया में अब फाइनली Realme UI Android 10 का अपडेट उनमें आ चुका है, मतलब फेस मोड में पुश कर दिए और आपको मिल जाएगा अगर आप Realme 5 Pro और Realme का X यूज करते हैं। अच्छी खबर है ना, तो लाइक भी कर देना। तो यहां पर दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है, फाइनली दोस्तों चाइना में Vivo ने अपने Z6 5G को लॉन्च कर दिया है। जी हां, प्राइस है कुछ 23,500 रुपए की और इसमें एक IPS डिस्प्ले मिलती है आपको और फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिलता है, पीछे फिंगरप्रिंट है, ऑब्वियसली IPS डिस्प्ले दिया है तो आपको अंडर डिस्प्ले तो मिलेगा नहीं, और आपको कुछ क्वाड कैमरास यहां पर मिलते हैं, 48 MP प्राइमरी, 16 की सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है, 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 765G वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। बहुत ज्यादा प्राइस है, पता नहीं इंडिया में आएगा ये दोस्तों, लेकिन क्या प्राइस पर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन Vivo का Z6 5G फाइनली लॉन्च हो गया है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जाते जाते वैसे दोस्तों आपको कोरोना वायरस का अपडेट दे देता हूं। अभी भी दोस्तों कोरोना वायरस के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इवेंट्स कैंसिल कर रही है। फेसबुक का जो F8 जो उनका डेवलपर कॉन्फ्रेंस होता है हर साल जो मई में आता है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी हां, आई एम सीरियस। और GDC गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो होता है हर साल, गेमिंग का जो इवेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया हम उसका हिस्सा नहीं होने वाले। अब पता नहीं इसके बाद और कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज अनाउंस करेगी कि हम उसका हिस्सा नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। तो बड़े बड़े जो इवेंट्स आ रहे हैं वो कोरोना वायरस के चक्कर में कैंसिल किए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अब नुकसान होने वाला है। जी हाँ, क्या कहा बताया कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला मदरबोर्ड किसने इन्वेंट किया था? IBM। जी हाँ, IBM ये कैसी पहली कंपनी है वर्ल्ड में जिन्होंने मदरबोर्ड को इन्वेंट किया था, और उसका नाम था प्लानर। जी हाँ, प्लानर। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।